मध्य प्रदेश में चुनावी समय के बीच में मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों से करीब 2 घंटे तक चर्चा की। बैठक खत्म होने के बाद वन मंत्री ने बताया, बैठक में विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही मध्य प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो इस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को टिप्स दिए। वन मंत्री विजय शाह से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता विवेक राणा ने। पर जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। हमारे साथ है वन मंत्री विजय शाह मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, 2 घंटे तक मंथन हुआ, क्या निकल के आया? देखिए, मुख्यमंत्री जी जनता के कामों के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इतने चिंतित रहते हैं और मन से, दिल से लगातार ही मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं। अभी जो हमारी यात्रा चल रही है उसके परफॉर्मेंस को लेकर के, जनता के रिजल्ट्स को लेकर के मुख्यमंत्री न सिर्फ चिंतित है बल्कि चाहते हैं कि जो 58,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का आया है, जो हमारी विकास योजनाएं, आज हमने 7,000 करोड़ से जाने कितने हजार हेक्टर, 47,000 हेक्टर तक सिंचाई की योजनाएं ले गए हैं, उसके रिजल्ट्स के जनता के क्या प्रभाव है, और आने वाले समय में लाडली बहना एक अद्भुत और अनोखी योजना जो महिलाओं के उत्थान के लिए आ रही है, उन सबका फॉर्म भराने हैं, ऐसे विकास के अनेक कार्य कराने हैं, जो समस्या रह गई है उनको बजट में शामिल कराना है। बजट में शामिल कराने के बाद मई जून में हम फिर यात्रा 2 और निकालेंगे। विकास यात्रा में देखने को मिला जनता की कई बार नाराजगी भी सामने आई, उसको लेकर चर्चा? देखिए, प्रजातंत्र में आप कुछ भी कर ले, सब कुछ संतुष्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन नाराजगी इस बात का घोतक है कि कुछ काम हो रहे हैं और जो काम रह गए उसकी नाराजगी दूर करेंगे। लगातार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए मास्टर स्ट्रोक है लाडली बहन, ऐसे बहुत सारे काम हम करेंगे, केवल चुनाव के लिए नहीं, जनता के कल्याण के लिए करेंगे। ये थे मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस 2 घंटे के मंथन में प्रदेश में किस प्रकार से विकास किया जाए, और साथ ही जो नई योजना है प्रदेश सरकार जो बहुत जल्द लाने वाली है उसको किस प्रकार से धरातल पर उतारा जाए, इस पर कहीं चर्चा किया गया है। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक राणा, अनादि टीवी, भोपाल।